हेलो यूजर, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी यूजफुल रिपोर्ट्स जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के पेमेंट कलेक्शन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है रिसीप्ट बुक। रिसीप्ट बुक का क्या काम होता है और आप इससे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब भी आप मार्केट में पेमेंट को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में इसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में कर देते हैं, करने के बाद में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मंथ के अंदर में हमने मार्केट से कितना पेमेंट को कलेक्शन किया है, कलेक्ट किया है, उसकी अगर आप एक रिपोर्ट चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट से इजीली अपने पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना इस मंथ के अंदर में पेमेंट को कलेक्ट किया है। इस रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आप जाएंगे बुक्स वाले ऑप्शंस पे। बुक्स में जाने के बाद में आप जाएंगे एंट्री बुक्स में। एंट्री बुक्स में जाने के बाद में आप यहां पर जाएंगे रिसीप्ट बुक के अंदर में। आप रिसीप्ट बुक्स वाले ऑप्शंस पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहां पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने रिसीप्ट बुक की विंडो ओपन हो गई है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है डेट का। आप यहां पर अपने हिसाब से डेट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आज की डेट को ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वो डेट डाली और आज की डेट यहाँ पर मैंने डाल के एंड तक एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपके डेट के अकॉर्डिंग जितने भी आपने रिसिप्ट की एंट्री आपने की है वो टोटल एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है डेट का। यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है पार्टी का नाम। यहाँ पर आपको पार्टी का नाम दिखाई देगा जिस पार्टी का आपने पेमेंट को कलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर रिमार्क के सामने आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने इसको कैश में लिया है या आपने इसको चेक में लिया है। तो जो भी पेमेंट मोड होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है उसका अमाउंट दिखाई देगा, जो अमाउंट आपने उनसे कलेक्ट किया है। और उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है। टाइप का मतलब ये है कि आपने उनसे क्या लिया, रिसिप्ट लिया या फिर आपने उनको पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको रिसीप्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टोटल जो रिसीप्ट है इनका टोटल कलेक्शन क्या है, तो यहाँ नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल कलेक्शन दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने इस बुक्स को देख के अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप अपनी कीबोर्ड से यहाँ पर एक बार अल्टर पी प्रेस करेंगे। अल्टर पी प्रेस करने के बाद में आपके सामने रिसीप्ट बुक प्रिंटिंग का ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद में जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला टी, उसके बाद में डी और उसके बाद में एस। आप यहाँ पर एस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में आपके सामने आता है एंट्री टोटल वाला ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, वाई, एन और डब्ल्यू। आप यहाँ पर डब्ल्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एंड तक एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में कुछ इस तरीके की विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देती है जिसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है व्यू, आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है प्रिंट। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में अगर आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स है जिससे जो है आप अपने पेमेंट कलेक्शन को इजीली यहां से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और चीज है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एक पार्टी का ही रिसिप्ट देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट से लेके एक पर्टिकुलर डेट तक सिर्फ एक ही पार्टी का रिसिप्ट अमाउंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऑप्शन से देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप बुक्स वाले ऑप्शंस पे आएंगे। बुक्स वाले ऑप्शंस पे आने के बाद में एंट्री बुक्स पे आएंगे। एंट्री बुक्स में उसके बाद में आप आएंगे रिसीप्ट बुक में। रिसीप्ट बुक में एंटर प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर डेट खुल जाती है। आप यहाँ पर सबसे पहले डेट को मेंशन कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक डेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है लेजर का। आप यहां पर पर्टिकुलर एक लेजर या एक पार्टी का भी आप यहां पर रिसीप्ट बुक को रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले लेजर सिलेक्टेड लेजर वाले ऑप्शन पे यस करेंगे। यहां पर आपको नो और यस का दो ऑप्शन दे रखा है, आप यस वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे।
जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखेंगे कि आपके सामने आपके बनाए हुए टोटल लेजर्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। अब आप यहाँ पर जो है उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिस लेजर की रिसिप्ट रिपोर्ट आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, या यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आप उस लेजर को सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर में एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि सिर्फ उस ही पार्टी के जो भी लेजर्स रिसिप्ट अमाउंट है या रिसिप्ट एंट्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इस रिपोर्ट्स को प्रिंट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से अगेन अल्टर पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इसको एस करेंगे। एस करने के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर में आप जो है डब्ल्यू करेंगे। डब्ल्यू करने के बाद में आप एंड तक एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हैं या प्रिंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो रिपोर्ट्स है आपको आपकी प्रिंटिंग में आपको दिखाई देने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।